हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको 6 महीने की उम्र के बाद दिए जाने वाले फूड के बारे में बताऊंगी। बच्चे को ज़्यादा दूध नहीं पिलाना चाहिए, ऐसा क्यों है ये भी बताऊंगी। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा हो गई है और उसके बाद भी 1 या 2 महीने आप ऊपर का फूड देने में लेट कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए आप बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं, इस वीडियो में मैं ये सारी जानकारी आपको दूंगी। 6 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चों को खिलाने के लिए मार्केट में जो भी कमर्शियल फूड अवेलेबल हैं, जैसे कि सेरेलैक, हो सके तो इनको अवॉइड करें। 6 महीने के बाद बच्चा जॉ मूवमेंट और चबाना सीखता है। इसी उम्र में इंटेस्टाइन भी खाने को पचाने के लिए मैच्योर हो जाती है, इसलिए इस उम्र में खाने में ग्रेन्स, उससे आप सेमी सॉलिड फूड बना करके जिसका कि टेक्सचर स्मूथ हो जरूर दें। एलर्जी का पता करने के लिए एक बार में बच्चे को एक ही अनाज से बना हुआ कुछ खिलाएं। कुछ लोग बच्चे को ज़्यादा दूध पिला देते हैं और पेट भर जाने की वजह से वो ऊपर का आहार नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन इत्यादि जो कि उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं उनको नहीं मिल पाते। इस उम्र में बच्चों के मुंह में काजू, बादाम, अंगूर जैसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये सांस की नली को ब्लॉक कर सकते हैं। बच्चे को ऊपर का आहार देते समय भी उससे बातें करें और टीवी और मोबाइल बंद कर दें। अगर खाने का समय और खाने की जगह को निश्चित कर लिया जाए तो इस वजह से भी बच्चों की भूख बढ़ जाती है। अगर बच्चा किसी खाने की चीज़ को नहीं पसंद कर रहा तो उसको कुछ अलग तरह से बनाकर खिलाना चाहिए। 1 साल से बड़े बच्चे को अपने हाथों से खाना सिखाएं। बच्चे को बिस्किट, ब्रेड, पेस्ट्री, चॉकलेट इत्यादि ना दें। फ्रूट जूस देने की जगह पर बच्चे को मैश्ड फ्रूट दें। आप बच्चे को खाने में खिचड़ी, दाल चावल, राजमा, अंकुरित अनाज, इडली, डोसा, पोहा, ढोकला, रोटी, पराठा, दलिया, खीर इत्यादि दे सकते हैं। दूध की तुलना में दूध से बने हुए खीर या सेवई, जिसमें आप ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर बनाते हैं, वो बच्चे को ज़्यादा फायदा करेगा। अगर बच्चे का वज़न कम हो तो ऐसे में आप देसी घी किसी भी चीज़ में डाल करके बच्चे को खिला सकते हैं, इससे बच्चे को ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अगर आप चाहें तो स्प्राउट्स को सुखा करके पीस लें और उसका एक हेल्दी सा आटा तैयार कर लें, उसमें दाल वगैरह मिला करके आप एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड बच्चे के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में लोग नॉनवेज पसंद करते हैं तो आप बच्चे को अंडा, मछली, मीट इत्यादि भी खिला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।